हेलो बच्चों, टुडेस टॉपिक इज अलजेब्रा ऑफ फैक्टर्स। ओके, और अलजेब्रा ऑफ फैक्टर्स में क्या देखना है आपको, क्या लर्न करना है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, बाद में आपको एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, ऐसे तीन टॉपिक्स यहाँ पे आपको देखना है। ठीक है, तो लेट स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये फर्स्ट टॉपिक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये पॉइंट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। जैसे लेट ए बार एंड बी बार बी एनी टू रियल नंबर, एनी टू नॉन जीरो, नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो वेक्टर्स। लेट ए बार एंड बी बार बी एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट A bar is equals to K into B bar। अभी इसका मतलब क्या होता है? A bar is a scalar multiplication of B bar। ये जो K यहाँ पे है, इसे आप बोलते हो scalar multiplication। तो scalar multiplication actually क्या है? तो एक real number है जो other than zero होता है, उसे आप बोलते हो non-zero scalar multiplication। क्या बोलते हो आप? नॉन जीरो स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्यों नॉन जीरो स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको कंसिडर करना है? क्योंकि यहां पे यदि ए बार और बी बार ऐसे दो नॉन जीरो वेक्टर्स है, और समझ लो कि के यानी जीरो है, के यदि जीरो है तो मतलब क्या हो गया? के जीरो इंटू बी बार, आंसर इज जीरो। सो द वैल्यूज ऑफ दिस ए बार एंड जीरो बार आर नॉट इक्वल, they are not equal, बराबर है। इसलिए आप यहां पे क्या बोलते हो कि k is a non-zero scalar multiplication। Then what is the meaning of this statement? इस statement का meaning क्या होता है? तो a bar और b bar एक दूसरे को parallel है। These two vectors are parallel to each other। ये दोनों vector एक दूसरे को parallel है। Okay? और ये collinear कब होते हैं? तो let a b bar is equals to a bar and the values of b c bar is equals to b bar। ऐसे दो वेक्टर्स आपने कंसिडर किए हैं, a b bar is equals to a bar और b c bar is equals to b bar। ओके, एंड इफ देयर इज अ रिलेशन, सपोज वी कंसिडर दिस रिलेशन, इट मींस दैट a b bar is equals to k into b c bar, k into bc bar। So this ab bar is a scalar multiple of bc bar। Then what is the meaning of this? इसका meaning क्या होगा? तो ab bar is parallel to bc bar। ab bar और bc bar एक दूसरे को parallel है। But in this ab bar and bc bar, b is the common। ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है, एक ऐसा है कॉमन है। आपने क्या बोला है कि ए बी बार और बी सी बार एक दूसरे को पैरेलल है, और उसी के साथ में यहां पे बी बार जो है कैसा है? कॉमन है। बी जो है, बी पॉइंट कॉमन है। मतलब क्या हुआ कि ए बी एंड बी सी हैविंग अ कॉमन पॉइंट बी, बराबर है। ए बी और बी सी को कॉमन पॉइंट बी है। तो ए बी बार एंड बी सी बार आर लाइज ऑन द सेम लाइन, आर लाइज ऑन द सेम लाइन, एंड सो वी से दैट ए बी बार, सो वी से दैट ए बी बार एंड बी सी बार आर कोलिनियर वेक्टर्स, आर कोलिनियर वेक्टर्स। ओके, तो देखो इसके पहले हमने क्या किया था, जैसे ए बी बार और बी सी बार एक दूसरे को पैरेलल बताया, बाद में बी पॉइंट यदि कॉमन है तो मतलब क्या हुआ है कि ए बी बार और बी सी बार आर लाइज ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पे लाए हुए हैं, तो मतलब हुआ है कि ए बी बार एंड बी सी बार आर कोलिनियर वेक्टर्स। क्लियर? लेट ए बार इज इक्वल टू के इंटू बी बार, ऐसा आपने कंसिडर किया है। और अभी आपने देखा था कि ए बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ बी बार, ऐसा होता है।
तो यहाँ पे ए बार और बी बार की जो डायरेक्शन होती है वो डिपेंड्स होती है के के ऊपर। और आपने यहाँ पे के क्या है, तो के इज अ नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल, ऐसे बोले थे आपने, के इज ए नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल, ठीक है। ए बार इज इक्वल टू के इंटू बी बार, फिर के इज ए नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल है। अभी देखो यहां पे क्या होता है, दिस के डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ ए बार एंड बी बार। यहां पे जो के है, के कैसा है, तो ए बार और बी बार की डायरेक्शन डिसाइड करता है। और यहां पे आपने बोला है कि के इज अ नॉन जीरो मल्टीपल स्केलर मल्टीपल, मतलब क्या होता है कि फर्स्ट कंडीशन ऐसी होगी कि के इज लेस देन जीरो, बराबर है, या तो सेकंड कंडीशन रहेगी के इज ग्रेटर देन जीरो। अब फर्स्ट कंडीशन देखते हैं हम लोग, इफ के इज लेस देन जीरो, यदि के की वैल्यू लेस देन जीरो होती है तो यहां पे क्या होगा, के इज इक्वल्स टू, यहां पे लेस देन जीरो है यानी निगेटिव है, तो निगेटिव है तो मतलब होगा निगेटिव माइनस बी बार। तो आंसर क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ ए बार एंड बी बार इन दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन द डायरेक्शन ऑफ, द डायरेक्शन ऑफ ए बार एंड बी बार आर अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर, ये दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट रहेगी। यानी देखो यहां पे यदि ए बार इस तरीके से आपने ड्रॉ किया है तो बी बार कैसे रहेगा, इस तरीके से, ये हो गया आपका ए बार और ये हो गया बी बार, ठीक है ना। तो ये कंडीशन कब दिखाई देगी आपको, जब के की वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन जीरो रहेगी। सेकंड कंडीशन हम देखते हैं, इफ के इज ग्रेटर देन जीरो, इफ द वैल्यू ऑफ के इज ग्रेटर देन जीरो, देन वी से दैट देन द डायरेक्शन ऑफ, the direction of a bar and b bar are same, ये दोनों की direction एक जैसी रहेगी। For example, जैसे a bar इस तरीके से जा रहा है तो b bar भी इसी तरीके से रहेगा, यानी दोनों की direction same है। तो direction किसके ऊपर depend होती है, तो scalar multiplication की। यदि स्केलर मल्टीप्लीकेशन निगेटिव है तो डायरेक्शन अपोजिट, यदि पॉजिटिव है तो डायरेक्शन, यदि ग्रेटर देन जीरो है पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम रहेगी, लेस देन जीरो है यानी निगेटिव है तो डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, ठीक है ना। तो फिर से देखिए स्केलर मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, यदि आप स्टेटमेंट बोलते हो A bar is a non-zero scalar multiplication of B bar, तो इसका मतलब होगा A bar और B bar ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल है, ठीक। सेकंड कंडीशन क्या रहेगी कि वो दोनों जो वेक्टर्स आपने कंसीडर किए हैं उसमें यदि कोई पॉइंट कॉमन होता है तो ऐसे वक्त दोनों भी वेक्टर कोलिनियर रहेंगे, एक ही लाइन पे लाए रहेंगे, ठीक है ना। तो उस टाइम में दोनों वेक्टर्स आप कोलिनियर वेक्टर्स बोलोगे, ओके। और बाद में आपने पॉइंट्स देखा है, द डायरेक्शन ऑफ दिस ए बार एंड बी बार डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ के, इफ के इज लेस देन 0 देन देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट टू ईच अदर, इफ के इज ग्रेटर देन 0 देन द डायरेक्शंस ऑफ ए बार एंड बी बार आर एग्जैक्टली सेम, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है। तो उसके बाद हमें देखना है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ऐसे नेक्स्ट पॉइंट है। अभी जो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स है इसके लिए आपको दो लॉस देखना है। तो पहले तो हम लोग ये देखते हैं, जैसे इफ ए बार एंड बी बार बी एनी टू वेक्टर्स, बी एनी टू वेक्टर्स, समझ लो यहां पे ए बार और बी बार ऐसे दो वेक्टर्स हैं और ये दोनों की आपको एडिशन देखना है, देन their addition का मतलब होता है resultant,
क्या होगा, एडिशन का मतलब होगा रिजल्टेंट। इन ए बार एंड बी बार बी एनी टू वेक्टर्स देन देयर एडिशन और रिजल्टेंट इज गिवन बाय, कैसे देखोगे आप, तो इज डिनोटेड बाय, इज डिनोटेड बाय ए बार प्लस बी बार। तो ये दोनों के एडिशन आपने कैसे लिखे है, ए बार प्लस बी बार से लिखी हुई है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रिजल्टेंट, इसे आप रिजल्टेंट भी बोलते हो। तो देर आर टू टाइप्स, टू लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ओके। वहां पे दो लॉज है, देर आर टू लॉज ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ऐसे दो लॉज आपको देखना है। एक है फर्स्ट पैरालेलोग्राम, पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ओके। पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। और सेकंड आपको देखना है ट्राइंगल लॉ, सेकंड ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। देखो बच्चों, यहाँ पे यदि आपको दो वेक्टर्स के एडिशन करना है तो ये दो लॉज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स और सेकेंड वन इज ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। देखो अभी पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो पैरालेलोग्राम आपको पता है कैसे बनता है, व्हेन द क्वाड्रिलैटरल इज ए पैरालेलोग्राम, इफ देयर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, बराबर है। तो यहां पे एक पैरालेलोग्राम हम ड्रॉ करते हैं, जैसे इस तरीके से, ए बन गया पैरालेलो, ए बी सी डी इज अ पैरालेलोग्राम इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी, बी सी इज पैरेलल टू ए डी। नाउ द डायरेक्शन ऑफ दिस ए बी इज इन दिस वे, as AB bar and DC bar are exactly equal to each other, then the direction of this DC bar is same, okay, AB bar और DC की जो direction है वो same रहेगी। उसी तरीके से यहाँ पे AD और DC की direction same रहेगी। और यहाँ पे आपने consider किया है diagonal AC। Let In parallelogram ABCD, ये जो parallelogram ABCD है, इसमें AB bar is equals to B bar, A bar consider करते हो, and AD bar is equals to B bar. Also, AC bar is equals to C bar. देखो जो यहाँ पे क्या होता है, AB bar और AD bar are called as the co-initial vectors। आपको पता है co-initial vectors का मतलब क्या होता है, जो ऐसे दो vectors जिनका initial point same है, तो ऐसे vectors को आप co-initial vectors बोलते हैं, बराबर। तो यहाँ पे AB bar और AC bar ऐसे दो co-initial vectors है, और यहाँ पे AC bar भी उसे co-initial ही है, ठीक है। तो यहाँ पे AC is the diagonal of this quadrilateral ABCD, और यहाँ पे parallelogram किस तरीके से यूज करोगे, तो parallelogram क्या कहता है कि ये जो दो co-initial sides है quarter minus edges से, तो ये दोनों A bar और B bar, ये दोनों की addition यानी diagonal होता है, तो C bar is equal to A bar plus B bar हो गया। इतना simple concept यहाँ पे parallelogram में बोला गया है। जैसे ये दोनों क्या बन गए, दैट इज द co-initial vectors adjacent sides से, बराबर है, और ये adjacent sides और ये बन गई यहाँ की diagonal। तो
ये दोनों एडजेसेंट साइड की यदि आप एडिशन करोगे, जैसे ए बार प्लस बी बार करोगे तो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू ए सी बार रहेगा। यानी पैरालेलोग्राम कंसेप्ट जो है, पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ये जो कंसेप्ट है इतना इजी कंसेप्ट है और इतना ही आपको ध्यान में रखना है। दूसरा कंसेप्ट होता है, अभी यहां पे कैसे लिखोगे, ए सी बार इज इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बी बार, तो ए सी बार यानी क्या हो गया, दैट इज सी बार, और ए बी बार क्या है, दैट इज ए बार, और ए डी बार क्या है, तो दैट इज बी बार, एंड दिस इज कॉल्ड एज द पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ट्राइंगल ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, इसके लिए यहां पे आपको ट्राइंगल कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे यहां पे ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल हो गए, लेबल करेंगे जैसे ए बी सी। अभी क्या होता है, ए ए बी की डायरेक्शन इस तरीके से, बाद में बी सी, तो यहां पे जो ए सी है तो ये बन गया आपका रिजल्टेंट, ए सी जो है ये बन गया रिजल्टेंट। जैसे आपने यहां से स्टार्ट किए थे, ए के बाद ए के तरफ से आप बी की तरफ गए, ए से बी की तरफ और बी से सी की तरफ गए, बराबर है, तो टोटल डिस्टेंस आपने कितना कवर किया है, उसका रिजल्टेंट क्या है, रिजल्ट क्या है, वो यदि आपको देखना है तो ए से सी का डिस्टेंस आपको रिजल्ट मिलता है, तो दिस इज कॉल्ड एज द रिजल्टेंट। ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसे आप रिजल्टेंट बोलते हो, इसे क्या बोलोगे, रिजल्टेंट। तो यहां पे ए बार आपने कंसिडर किया है, यहां पे बी बार कंसिडर किया है, ठीक है ना, ए बार और बी बार, और ए जो ए सी बार है तो ये ए सी बार कैसे रहेगा, दैट इज द एडिशन ऑफ दिस टू वेक्टर, ये दोनों वेक्टर की होगी एडिशन, ये दोनों वेक्टर की एडिशन, यानी ए हो गया। तो एडिशन करते समय आपको एक चीज ध्यान में रखना है, जैसे यहां पे ए बी बार है और प्लस बी सी बार, देखो बच्चों यहां पे क्या होता है, ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, आपको पता है कि ट्रायंगल्स क्लोज फिगर होती है, ट्रायंगल क्या होती है, क्लोज फिगर, और क्लोज फिगर किसके है, तो यूनियन ऑफ थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का जो यूनियन है उससे जो आपको क्लोज फिगर मिलती है उसे आप ट्राइंगल बोलते हो, बराबर है, तो ये बन गया आपका ट्राइंगल। और ट्राइंगल होने के बाद क्या होता है कि ए बी बार प्लस बी सी बार, ए बी बार प्लस बी सी बार, यानी यहां पे जो टर्मिनल पॉइंट है तो दूसरे वेक्टर में ये बन गया आपका इनिशियल पॉइंट, तो इनका जो रिजल्ट होता है तो वो रिजल्ट एक्चुअली क्या रहेगा, तो पहले का इनिशियल पॉइंट और दूसरे का टर्मिनल पॉइंट, ये दोनों के आपको एडिशन करना है, तो दिस इज कॉल्ड एज द एसी बार एंड दिस इज कॉल्ड एज द रिजल्टेंट, इसे आप रिजल्टेंट बोलोगे, इसे आप क्या बोलोगे, रिजल्टेंट। आई बात ध्यान में, तो ट्राइंगल ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स कैसे देखना है और कब यूज करना है, पहले तो आपने देखा है कि पैरालेलोग्राम लॉ एक कब यूज करते हो, जब दोनों वेक्टर्स एट ए टाइम एक्ट होते हैं, ऐसे वक्त आप पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स यूज करोगे, और जब पहले ए बार एक्ट हुआ है बाद में बी बार, ए बार होने के बाद बी बार यदि एक्ट होता है तो ऐसे वक्त आप ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स यूज करोगे। तो फिर से देखो बच्चों, आपको पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स कब यूज करना है, जब दोनों वेक्टर्स एट ए टाइम यानी साइमल्टेनियसली एक्ट हो गए, उसी टाइम आप पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स यूज करोगे। ओके, और सेकेंड, ट्राइंगल लॉ कब यूज करोगे, जब एक वेक्टर होने के बाद दूसरा वेक्टर एक्ट होगा, एक के बाद दूसरा आएगा, तो ऐसे वक्त आप ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स यूज करोगे, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है ना। देखो बच्चों, अभी जो पॉइंट्स हमने लिए थे, एक था
टू वेक्टर्स के लिए आपको एडिशंस लेना है तो दो अपने लॉ देखे हैं, एक है पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स और दूसरा होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। और दो के अलावा यदि आपको ज्यादा वेक्टर्स वहां पे दिए गए तो आपके पास और एक लॉ है, वो होता है एक्सटेंडेड लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्या होता है? एक्सटेंडेड लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एक्सटेंडेड लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स होता है, या तो इसे आप क्या बोलोगे, पॉलीगोनल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, पॉलीगोनल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना। तो देखो एक कब यूज करोगे आप, इसके पहले आपने देखा था जैसे पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, वो कब यूज करना है, जब दोनों वेक्टर्स साइमल्टेनियसली एक्ट होते हैं। सेकंड, ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स कब यूज किया है, जब एक वेक्टर अभी एक्ट हुआ है और उसके बाद दूसरा वेक्टर एक्ट होता है, तो ऐसे वक्त आप ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स यूज करते हो। और बाद में यदि दो से ज्यादा वहां पे वेक्टर्स है और उनके लिए आपको एडिशन करना है तो ऐसे वक्त क्या करोगे आप, तो एक्सटेंडेड लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स यूज करोगे या तो पॉलीगोनल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स यूज करोगे। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। देखो बच्चों यहां पे क्या होता है, एक पॉइंट ले, ए पॉइंट, ए से बी के तरफ अपन गए हैं, बी से सी के तरफ, सी से डी के तरफ, डी के ई से तरफ, इस तरीके से जा रहे हैं और इसे आपने ज्वाइन किया है, ये बन गया आपका ए, डायरेक्शन इस तरीके से है। तो ये जितने भी वेक्टर्स है जैसे ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, ऐसे आपने डिनोट किए हैं, ये जितने भी वेक्टर्स है, ओके, ये सब ए बार, बी बार, सी बार और डी बार, ये सब वेक्टर का ये बन गया है रिजल्टेंट, दैट इज ए बार। ये क्या बन गया, रिजल्टेंट, दैट इज ए बार। ये कैसे होता है, तो यहां पे आपने ए और सी को ज्वाइन किया है, तो दिस ए सी बार इज द रिजल्टेंट ऑफ ए बी बार एंड बी सी बार, बाद में ए डी इस तरीके से ज्वाइन किया है, तो ए डी बार इज द रिजल्टेंट ऑफ ए सी बार एंड सी डी बार। मतलब क्या हो गया कि ए डी बार इज द रिजल्टेंट ऑफ ए बी बार, बी सी बार एंड सी डी बार, बराबर है ना, ये सब रिजल्टेंट हो गए हैं। तो देखो अभी वन बाय वन हम लोग इसे समझ लेते हैं। जैसे ए बी बार प्लस बी सी बार, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, हम पहले हमने बताया था कि जैसे ए बी बार और बी सी बार ये दोनों की एडिशन कैसी होगी, तो अकॉर्डिंग लॉज ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होगा, आंसर होगा ए सी बार। तो ये बन गया आपका ए सी बार, तो ए हो गया ए बार प्लस बी बार, बराबर है। बाद में सेकेंड नंबर, ए सी बार प्लस सी डी बार, ट्राइंगल ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स कैसा होगा, तो ए बार प्लस डी बार, ए बार यहां पे ए पॉइंट लोगे और यहां पे डी पॉइंट, तो ए रिजल्टेंट हो गया ए डी बार। ए डी बार यदि रिजल्टेंट होता है तो ये दोनों की एडिशन, ये दोनों की एडिशन का मतलब होता है ए सी बार यानी ए बार प्लस बी बार और सी डी बार यानी सी बार, तो आंसर मिल गया आपको ए डी बार, बराबर है। आंसर क्या मिल गया, ए डी बार। सो दिस इज व्हाट, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। फिर से आपको क्या करना है, ए डी बार प्लस डी बार, ए डी बार प्लस डी बार, ए डी बार प्लस डी बार। तो मुझे बताइए अभी क्या होगा, ए डी बार प्लस डी बार का मतलब हो गया ए बार, हो गया ना ऐसे। तो ए डी बार आपको पता है दैट इज ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार होता है, और डी बार क्या है, दैट इज डी बार, तो आंसर आपको मिल गया ए बार, आंसर आपको मिल गया है ए बार। सो दिस ए बार इज द रिजल्टेंट ऑफ ए बी बार, बी सी बार, सी डी बार एंड डी बार, एंड दिस इज कॉल्ड एज द एक्सटेंडेड लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, या तो आप बोलोगे पॉलीगोनल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ओके। तो देखो बच्चों यहां पे आपने
जब दो वेक्टर्स आपने कंसीडर किए हैं, ऐसे वक्त आपने दो लॉज यूज किए थे, एक है पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स और दूसरा होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। जब दो के ऊपर आपको वेक्टर्स दिए जाते हैं और उनकी भी आपको एडिशन करना है तो आप यूज करोगे एक्सटेंडेड लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स या तो पॉलीगोनल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स यूज करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने जो डायग्राम में देखा हुआ है इसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे पॉलीगोन यहाँ पे फॉर्म हुआ है और इनकी एडिशन करते करते यहाँ पे किस तरीके से आपको रिजल्टेंट मिलता है ये यहाँ पे देखा है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स की आपको सब्ट्रैक्शन करना है, दो वेक्टर्स की क्या करना है सब्ट्रैक्शन। तो समझ लो यहां पे दो वेक्टर्स है ए ए बार एंड डी बार, बी एनी टू वेक्टर्स, बी एनी टू वेक्टर्स, ओके एनी टू अनइक्वल बोलेंगे, जैसे ए बार और बी बार ऐसे दो वेक्टर्स है, देन देयर सब्ट्रैक्शन इज व्हाट, देन देयर सब्ट्रैक्शन इज डिनोटेड बाय, इज डिनोटेड बाय, सब्ट्रैक्शन किस तरीके से डिनोट करोगे तो ए बार माइनस बी बार। तो एक्चुअली ए बार माइनस बी बार को आप किस तरीके से लिखते हो, तो ए बार प्लस माइनस बी बार हो गया। तो दिस माइनस बी बार इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी बार, बराबर है। ये जो माइनस बी बार आपने लिखा हुआ है ये नेगेटिव वेक्टर होता है बी बार का। तो कोई भी दो वेक्टर का आप सब्ट्रैक्शन लेते समय इस तरीके से लिखते हो। इसे डायग्राम से हम प्रूव करते हैं। इसे ट्रायंगल ड्रॉन किया है पहले, समझ लो ए बी सी इस तरीके से ट्रायंगल है और ए बी बार यानी ए बार हो गया, बी सी बार यानी बी बार हो गया है, तो इनका रिजल्टेंट आपको मिल गया यहाँ पे ए बार प्लस बी बार, ठीक है ना। डायरेक्शन इस तरीके से रहेगी। अभी क्या करना है आपको कि ये जो पॉइंट भी है इसके ऊपर इस तरीके से मैं डाउन साइड में आता हूं और जितना डिस्टेंस यहां पे है यानी मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड पे उतने ही डिस्टेंस पे एक पॉइंट आपने कंसिडर किया है दैट इज डी। अभी बी से डी की तरफ जा रहे हो तो डायरेक्शन ये बन गई आपकी और आपने यहां पे इसे ज्वाइन कर दिया तो ये बन गया आपका रिजल्टेंट ए बी बार प्लस बी डी बार, ए बी बार प्लस बी डी बार। लेकिन क्या होता है कि जैसे बी सी बार यानी बी बार है तो अभी इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई तो ये हो गया माइनस बी बार एंड अकॉर्डिंग ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ए बार प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस, सो ए बार प्लस माइनस बी बार। तो इसे आप कैसे लिखोगे ए बार माइनस बी बार एंड दिस इज कॉल्ड एज द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, इसे ही आप बोलोगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, ओके। हाँ तो बच्चों अब तक जो हमने कुछ पॉइंट्स देखे हुए हैं तो उसके ऊपर कुछ नोट्स भी हमें देखना है, नोट्स कौन से होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप प्रॉब्लम्स या एमसीक्यू सॉल्व करने जाते हो तब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो नोट्स पहली कौन सी है समझ लो, पहला पॉइंट है अ वेक्टर, ए वेक्टर ऑफ लेंथ के, ऑफ लेंथ के इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए बार, इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए बार। अभी क्या होता है, ऐसा एक वेक्टर आप कंसीडर करते हो जिसकी लेंथ के है यानी मैग्नीट्यूड के है, ठीक है, और वो वेक्टर की यदि डायरेक्शन एक ये बार के ए वेक्टर ए बार यानी जो वेक्टर आपको दिया गया है इसकी डायरेक्शन और जो वेक्टर है जिसकी लेंथ के है मैग्नीट्यूड के है ऐसे दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है तो ऐसे वक्त जो वेक्टर आपको दिया गया है उसे आप किस तरीके से डिनोट करोगे तो के इंटू ए क्या, के इंटू ए क्या, व्हाट इज के, के इज द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू वेक्टर, ओके, और वो वेक्टर और ये बार ये दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ऐसे वक्त इस वेक्टर को आप डिनोट करोगे के इंटू ए कैप से। आपको पता है ए कैप क्या होता है, ए कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द ए बार,
A cap is the unit vector along the A bar. Okay, so the formula is what? K into A cap, yani kya hota hai? A bar upon mod of A bar. Okay, ये formula आपको ध्यान में रखना है. ये problem solve करते समय आपको use आएगा, इसका use आपको करना पड़ेगा. ठीक है, तो next point है, next point आपको लेना है commutative law. commutative law, commutative law, ये word जो है ये आपको हमेशा use करना है. हर एक चैप्टर में आपको commutative law, associative law, देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ऐसे जो लॉज है ये हर एक चैप्टर में आना ही है. ठीक, तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? जैसे ए बार और बी बार, आपको दो वेक्टर्स दिए गए हैं, ए बार और बी बार, ऐसे दो वेक्टर्स से, और इनकी यदि आप एडिशंस लेते हो तो इसे आप बी बार प्लस ए बार लिख सकते हो. कैसे लिखोगे? बी बार प्लस ए बार. तो ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ. कौन सा? कम्यूटेटिव लॉ. बाद में होता है एसोसिएटिव लॉ. आल्सो एसोसिएटिव लॉ. अभी एसोसिएटिव लॉ किस तरीके से होता है? तो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार होता है. तो ये हो गया एसोसिएटिव लॉ. यानी पहले आप ये दोनों वेक्टर के एडिशन करोगे और उसमें यदि आप सी बार ऐड करोगे तो इधर पहले आपने क्या किया है? बी बार और सी बार के एडिशन की है और उसमें ए बार ऐड किया है. तो इनका जो आंसर आना है वो सेम रहेगा. तो इसे आप बोलोगे एसोसिएटिव लॉ. बाद में होता है एडिटिव, एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी. एक्चुअली क्या हुआ है, जो हमारा न्यू रीडर है वो टेक्स्ट बुक है उसमें मिस्टेक है, यहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ है. तो आइडेंटिफाई नहीं, एक्चुअली एडिटिव आइडेंटिटी ए लॉ है. तो ये लॉ क्या कहता है? समझ लो ए बार है, कोई भी एक वेक्टर है, उसमें यदि आप जीरो वेक्टर ऐड, नल वेक्टर ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा आपको? ए बार आएगा. So this zero bar is called as the additive identity. ये जो zero bar है इसे आप क्या बोलोगे? Additive identity बोलोगे. बाद में होता है additive inverse. Additive inverse होता है. अभी additive inverse क्या होता है? जैसे a bar है और इसमें आपने यदि इसी का नेगेटिव वेक्टर ऐड किया है जैसे माइनस ए बार, तो आंसर क्या मिलेगा? जीरो बार. आंसर क्या मिलेगा? जीरो बार. यानी ऐसे दो वेक्टर्स आप लोगे जिनकी एडिशन आपको यदि नल वेक्टर मिलती है तो आप बोलोगे वो क्या है? एडिटिव इनवर्स. सो माइनस ए बार इज कॉल्ड एज द एडिटिव इनवर्स. आई बात ध्यान में? उसके बाद आपको देखना है, आपको क्या देखना है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किस तरीके से यूज किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. इफ ए बार एंड बी बार बी एनी टू वेक्टर्स, ए दोनों कोई तो भी दो वेक्टर्स है, एंड यम एंड यन, यम एंड यन बी द स्केलर्स, बी द स्केलर्स, और यम और यन जो है वो क्या है? स्केलर से. आपको पता है कि स्केलर एक्चुअली क्या होता है? तो नॉन नेगेटिव, नॉन जीरो रियल नंबर्स होते हैं. इन नॉन जीरो रियल नंबर्स उसे आप स्केलर बोलते हो. ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको यूज करना है. तो पहला पॉइंट तो हम देखते हैं, जैसे यम प्लस यन इंटू, यहां पर लिखा है आपने ए बार. कैसे किया है? यम प्लस यन इंटू ए बार लिखा हुआ है. तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे यूज करोगे? यम इंटू ए बार प्लस यन इंटू ए बार. तो ये बन गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ये क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया है. सेकेंड, दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, यम इंटू ए बार प्लस बी बार. तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किस तरीके से यूज करोगे? यम इंटू ए बार प्लस यम इंटू बी बार. तो ये बन गया आपका सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ओके,
थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, जैसे यम इंटू यन ए बार लिखा है, या तो हम यम इंटू यन इंटू ए बार लिखोगे या तो यम इंटू यन इंटू ए बार, बोथ हैव द सेम मीनिंग, इनका जो मीनिंग है वो सेम है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बन गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद का एक पॉइंट होता है, जैसे मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार इज लेस देन और इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, तब आपने क्या किया है, इसे आप क्या बोलोगे, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी, एक्चुअली ट्राइंगल जो आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में पढ़ा हुआ होगा, नाइन्थ स्टैंडर्ड में वगैरह, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रिमेनिंग साइड या तो थर्ड साइड, ओके। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी ट्राइंगल में यदि आप दो साइड कंसिडर करोगे और उनके एडिशन यदि आप लेते हो, तो एडिशन हमेशा जो थर्ड साइड होती है उससे ग्रेटर होती है, उससे ग्रेटर होती है। और वही लॉ यूज करके आपको यहां पे इसे लिखना है। यहां पे क्या क्या होता है, जैसे ट्राइंगल लिया आपने, कंसिडर किया है ए बी सी, ए बार ये बन गया आपका बी बार, ओके। तो ये हो गया आपका ए बार प्लस बी बार। आपको पता है दिस ए सी बार इज द रिजल्टेंट ऑफ ए बी बार एंड बी सी बार, ए बी बार और बी सी बार का ये क्या बन गया आपका रिजल्टेंट, ठीक है। तो ए बी का मतलब हो गया है, ए बी का मतलब हो गया मॉड ऑफ ए बार, BC का मतलब हो गया है मॉड ऑफ B बार, और AC क्या है, तो AC है मॉड ऑफ A बार प्लस B बार। आई बात है में? यहां पे यदि मैं केवल AB लिखता हूं या तो BC, सॉरी यहां पे बार हुआ है, बार नहीं चाहिए, देखो यहां पे BC लिखते हैं, जैसे AB, AB यानी क्या हो गया मॉड ऑफ AB बार हो गया है, या तो लेंथ ऑफ ए बी हो गया। ऐसे इंट्रोडक्शन जो पार्ट था, इसके पहले का जो लेक्चर था उसमें आपको बताया गया था, जैसे बी सी है तो मॉड ऑफ बी बार हो गया, ए सी है तो मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार हो गया, ठीक है ना। तो ये ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल में आपने कौन सा यूज किया है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज की हुई है। तो ये जो कंसेप्ट है ये कहां से देखा है आपने, तो ट्राइंगल में जो प्रॉपर्टीज होती है, जैसे the sum of any two sides is always greater than the remaining side, than the third side. ये जो concept है ये यहाँ पे आपने use करते हुए इसे proof किया है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर एक activities हम लोग देख लेते हैं, और एक point थोड़ा सा important है। एक point कौन सा important है, कोई भी दो vectors है a bar और b bar, और determine करता है केवल एक ही plane। समझ लो यहाँ पे ए बार और बी बार ऐसे दो वेक्टर्स है, और ये दोनों वेक्टर क्या डिटरमाइन करते हैं, तो केवल एक ही प्लेन डिटरमाइन करते हैं। तो ऐसे वक्त ए बार प्लस बी बार यानी एडिशन ऑफ दिस टू वेक्टर आल्सो डिटरमाइन द सेम प्लेन, या और द सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस टू वेक्टर, ये दोनों वेक्टर की जो सब्ट्रैक्शन होती है ये भी सेम प्लेन ही डिटरमाइन करेगा। यानी ये चीज आपको यहां पे ध्यान में रखना है, यदि ए बार और बी बार ऐसे दो फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं केवल एक प्लेन, तो ए बार प्लस बी बार और ए बार माइनस बी बार भी वही प्लेन को डिटरमाइन करेगा। देखो जो ए एक्टिविटीज आपको देखना है, जैसे इन क्वाड्रिलेटरल एंड पीक्यूआरएस फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स, आपको रिजल्टेंट निकालना है। जैसे क्यूआर प्लस आरएस बार, क्यू आर प्लस आर एस यानी डायरेक्शन देखो, Q से R, R से S, तो QS is the result. क्या हो गया, QS is the result, so QS bar is the answer. वैसे भी आपको क्या करना है, जैसे एक Q पॉइंट है, R पॉइंट कॉमन है और यहाँ पे S पॉइंट है, तो इनका रिजल्टेंट क्या रहेगा, Q और S, so QS bar is the resultant. अभी बताओ बच्चों यहाँ पे क्या होगा, देखो PS है SR है ये कॉमन है, तो ये दोनों का रिजल्ट हो गया PR बार। डायग्राम से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, यहां यहीं से अपन रिजल्ट निकाल सकते हैं।
जैसे यहाँ पे पी एस प्लस एस आर बार है, यस कॉमन है, तो पी आर बार इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू बार मीन रिजल्टेंट क्या हो गया पी आर बार, क्या हो गया पी आर बार, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये बन गया आपका पी आर बार, ओके, ये दोनों का रिजल्ट है और उसमें आपने ऐड किया है आर क्यू बार, तो अभी क्या रिजल्ट होगा आपको पता है क्या होगा, ये दोनों कॉमन है तो इसका इनिशियल पॉइंट और इसका आपको टर्मिनल पॉइंट लेना है, तो ये बन गया आपका पी क्यू बार, तो दिस इज अवर आंसर, सो पी क्यू बार इज द आंसर, इतना सिंपल है। उसके बाद क्यू आर बार है, बाद में माइनस एस आर बार, पहले आपको क्या करना है, ये जो निगेटिव वेक्टर्स है इसे पॉजिटिव में पहले आप कन्वर्ट कीजिए, जैसे क्यू आर बार है, जैसे यहां पे क्यू आर बार है माइनस एस आर बार, इसे आप यदि डायरेक्शन चेंज करोगे तो प्लस बन जाएगा आर एस बार, फिर से यहां पे डायरेक्शन चेंज करोगे तो बन जाएगा एस पी बार, अभी मुझे बताइए रिजल्टेंट क्या रहेगा, क्यू आर बार प्लस आर एस बार, तो इनका रिजल्टेंट हो गया क्यू एस बार, और क्यू एस बार की एडिशन आपको लेना है एस पी बार से, तो यहां पे दोनों कॉमन है तो ये बन गया आपका क्यू पी बार, सो विच इज द रिजल्टेंट, यहां पे कौन सा रिजल्टेंट आपका हो गया, दैट इज क्यू पी बार, ओके। अभी बताइए यहां पे क्या होगा, पी क्यू बार प्लस क्यू आर बार, बोलिए क्या होगा, तो पी आर बार इज द रिजल्ट, यस, यहां पे क्या होगा पी आर बार प्लस आर क्यू, यानी ये बन गया पी क्यू, पी क्यू प्लस क्यू एस, तो रिजल्टेंट होगा पी एस बार, क्यू पी माइनस आर पी, पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव डायरेक्शन जो है उसे पॉजिटिव में, सो क्यू पी बार प्लस क्या करोगे आप पी आर बार प्लस आर एस बार, बोलिए अभी क्या होता है, क्यू पी प्लस पी आर यानी क्यू आर, क्यू आर प्लस आर एस यानी क्यू एस, सो क्यू एस बार इज द आंसर, इतना सिंपल कंसेप्ट यहां पे है, और वेक्टर चैप्टर वैसे भी बहुत इजी है, सिर्फ सीरियसली आपको लेना है, और आपके पास टेक्स्ट बुक है बराबर है, तो पहले टेक्स्ट बुक नहीं था इसलिए हम लोग क्या करते थे कि पूरा असाइनमेंट भेजते थे, अभी क्या करेंगे कि इसके ऊपर जो डिपेंडेंट प्रॉब्लम्स हैं वो ही केवल आपको पहले समझा के देंगे और उसके बाद फिर असाइनमेंट देंगे, ठीक है ना बच्चों, तो अच्छे से स्टडी करो, ओके, और ये मत सोचो कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा करके, हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे इन एन हाउ कंडीशन, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ठीक है, और बिंदास रहिए, केवल जो वीडियोस आपके आते हैं तो उसको आपको अच्छे से समझ लेना है और उसके साथ में उसके असाइनमेंट सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों।